नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में पीड़ित को पुलिस ने बैठाया थाने में, आरोपियों को संरक्षण का आरोप। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र से है, जहां से पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे गौरव द्विवेदी निवासी वार्ड क्रमांक 3 सेमरिया ने सेमरिया के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले रामजी पांडे और उसके दो भाइयों पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि आरोपियों के द्वारा अवैध कारोबार किया जाता है और उसे परेशान किया जाता है। गत दिवस उसे चाकू की नोक पर डराया धमकाया गया, जिसकी शिकायत करने वह सेमरिया थाना पहुंचा तो पीछे से आरोपी भी पहुंच गए। पुलिस उल्टा पीड़ित को ही थाने में बैठा लिया, जबकि आरोपियों को संरक्षण दे रही है। पीड़ित ने बताया कि अगर आरोपियों के ऊपर तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की जाती तो किसी के साथ भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। आइए जानते हैं पीड़ित ने क्या कहा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव कुमार है, सेमरिया से मैं आया हूँ, थाना सेमरिया। किस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय? ये मामला सर ये है कि हम सेमरिया के निवासी हैं और ये हमारे ऊपर दो तीन चार आदमी ऐसे हैं जो सेमरिया के अपराधी किस्म के आदमी हैं। ये थोड़ी नॉर्मल बातचीत में हमला करने के लिए कोशिश किए हैं और कोशिश क्या, बहुत गाली गलौज दिए। फिर मैं थाने पे गया, थाने पे मेरी शिकायत नहीं लिखी गई और मेरे को उल्टा थाने वाले कुछ कॉन्स्टेबल लोग गाली गलौज दे के उल्टा बैठा दिए। TI साहब नहीं थे और इसीलिए फिर हम उन लोग को समझाने के लिए कोशिश किया, उन लोग के पास गए भी, मेरी माँ भी गई और कई गांव के बड़े आदमी भी उन लोग को समझाए कि भाई ऐसा मत करो, ये लड़का ऐसा नहीं करेगा। मैं उनको बोला कि मैं तुमको गाली गलौज कुछ नहीं दिया हूँ, वो लोग मेरी बात ना मान के पुनः फिर दो तीन दिन पहले की बात है, लेकिन हम शांत रहे, लेकिन उसके भाई लोग मेरे को तुरंत बार बार गाली गलौज और जान से मारने की लोगों से धमकी देते और सामने भी देते हैं। और कल तो पकड़ लिए थे उसका एक छोटा भाई अंकुल, बोला तुम पहचानता नहीं, रुका नहीं, काट डालता, ऐसा है सब, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बात बोलता है। तो मेरे को जान को थोड़ा डर लगा, तो मैं SP सर से यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि इनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई की जाए। और थाना सेमरिया से मैं कहना चाहूँगा, जो भी नशा प्रकृत का सेमरिया में चल रहे हैं, जिनके भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, तो उनके आपने संबंधित थाने में की? थाने में मैं गया था, लेकिन थाने में TI सर नहीं थे, पुलिस वाले थे, लेकिन हमारी कंप्लेन कुछ भी किए नहीं है और मैं इसीलिए SP ऑफिस आया हूँ।